हेलो रिवान, ओके स्क्रीन में लिंक शेयर कर। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है मेरी? कैसी आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, भी कर रहा है। ऑडिबल हूँ मैं, बिग फैन, बिग फैन कार्तिक। मैं भी बिग फैन तुम्हारा। मस्त आवाज आ रही है, मस्त वाली आवाज आ रही है। क्या कहाँ गए मेरे स्टूडेंट्स? इतने सारे आते थे रोज, कहाँ गए रे? अरे 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 अरे, कहाँ जा रहा है? चलो 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 चलो, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं कुछ सेशन, ठीक है? टाइम वेस्ट करना नहीं है आपको, टाइम यूटिलाइज करना है। हेलो हेलो हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है? फुल सिलेबस क्लास 11th आज हम करने वाले हैं, बढ़िया से एक एक सेशन। आज हम 30 मिनट के अंदर 90 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? 30 मिनट के अंदर 90 क्वेश्चंस रिकॉर्ड आज हमें बनाना है, और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? स्टार्ट करें। हाउस जोश, हाउस जोश, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। मस्त वाला जोश होना चाहिए, एकदम बढ़िया से जोश बना लो, बड़े वाला जोश। यस, हाउ द जोश? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, जरूर मिलना चाहूंगा मैं भी, जरूर मिलेंगे सिलेक्शन के बाद तुम्हारे। चलिए स्टार्ट करते हैं का सेशन, फुल सिलेबस क्लास 11 का थर्ड हम मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। एक और खुशखबरी है, तो हम कल से मैंने सोचा है कि हम बायोहैक का रिवीजन, मतलब बायोहैक में आपको पढ़ाऊं, ठीक है? तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे क्लास के एंड में, कि बायोहैक के हम सेशन लें, ठीक है? एक एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट में बोलता हूं, तो मैं तुम्हारे सामने करा के बताऊं कि देखो 10 से 15 मिनट में हो रहा है ना? तो वो भी हमने सोचा है, और कल से हम ये भी सोचेंगे करेंगे। तो अभी हम आज जो है अपना फुल सिलेबस का टेस्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी तुम्हारे को आंसर आएगा वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है? और आगे बढ़ जाना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज कॉमन फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू शो द फीचर ऑफ ग्रोथ। बताइए, क्या होगा इसका आंसर? बताइए, फर्स्ट का आंसर होगा हमारा, फर्स्ट का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। बहुत बढ़िया। अरे मेरा पेन कहीं नहीं चल रहा आज। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रिफर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट एंड सेट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकंड का बताओ, सेकंड का आंसर होगा हमारा सी, ठीक है? नहीं, ए नहीं है, कुछ लोग ए मार रहे हैं।
देखो इसमें क्या है, द सॉल्यूशन इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा उसने, इनकरेक्ट ठीक है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से। मेंटिकुस करवाएं, मेंटिकुस भी करवाते हैं ठीक है, मेंटिकुस का मैं पढ़ के आऊंगा जरा अच्छे से। क्लियर नहीं दिख रहा, कितने लोगों को दिखने में दिक्कत आ रही है, ऐसा कोई है क्या, क्लियर नहीं दिख रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। क्लियर है, सही है। 480p पे देखो, 480p पे तुम लोगों 144 पे लगा रखा होगा वीडियो में। चलो थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, हमारा पेन चलने लगा। आंसर इज, ज्यादा खुशी में मैंने गलत मार रहा है, आंसर सी नहीं है, आंसर सी नहीं है, उल्लू बनाने के लिए मैंने मार दिया था ठीक है। चलो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपने कौन सी एग्जिबिटेड में नॉन लिविंग, फर्स्ट का है ए, एक्युमुलेशन ऑन मटेरियल ऑन सरफेस ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है एमडी, कल से मेंटिकुस कराएंगे। फोर्थ क्वेश्चन बताओ, फोर्थ, इन ऑर्डर टू ऑप्टेन द ऑप्टिमल ग्रोथ थ्रू हाइड्रोपोनिक्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी, क्या आंसर होगा जी फोर्थ का, फटाफट जरा स्पीड बढ़ाएंगे, एडिक्वेटली एरिएटेड ठीक है। फिफ्थ, अ ट्रू रीजनरेशन वाज ऑब्जर्वड इन, इसका आंसर यस बी, प्लेन एरिया। फटाफट सिक्स बताओ, सेवेंटी वन बच्चे आए हैं, मैं 35 लोगों ने लाइक किया है केवल, ऐसा कर रहे हो तुम लोग, लाइक तो कर दो कम से कम। चलो सिक्स का क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव ठीक है। सेवेंथ, कृष्णा जान क्या मैं, कृष्णा बस स्पैमिंग छोड़ दे भाई, स्पैमिंग। चलो सेवेंथ का स्पैमर ज्यादा आ चुके हैं, तो पर ये भी दिक्कत। यस सेवेंथ का बी है। चलो एट, इन हाइड्रोपोनिक्स एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, क्लास के एंड में मैं डाउट्स भी बताऊंगा, तो जिन भी अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है वो कहीं लिख ले अलग से ठीक है, और क्लास के एंड में मुझसे नंबर पूछ लेना भैया, इस क्वेश्चन नंबर का मुझे डाउट है, क्लियर कर दो। इसका आंसर ए, नाइन्थ, नाइन्थ का आंसर हमारा सी, क्लेमाइडोमोनास और प्रोटोजोआ किसमें है, प्रोटिस्टा के अंदर। टेंथ, टेंथ का क्या आएगा, ए ठीक है। कुछ लोग ये स्पैमिंग करने वाले कौन है, ये मैं बैन कर दूंगा तुम लोगों को, अभी क्लास में कोई भी उल्टे सीधे डाउट नहीं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है मैं क्या करूं, मेरी मम्मी मुझे मारती है मैं क्या करूं, अभी क्लास में पढ़ना आपने बस। चलो इलेवेंथ, देखो अभी ये लड़का हो गया ब्लॉक, जो स्पैमिंग कर रहे हैं सब ब्लॉक हो जाएंगे एक बार ठीक है, अब मैंने ब्लॉक कर दिया। चलो इलेवन बताओ, इलेवन का आंसर क्या आएगा, केवल आंसर दो, आंसर विल बी बी। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ बताओ,
ट्वेल्थ का आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी मार रहे सभी लोग, कुछ भी मार रहे हो, बोथ ए एंड बी जिंदाबाद, बोथ हमारा जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। चलो 13, मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? बिल्कुल नीट में एनसीईआरटी भेज जाएगा, 13 का बताओ आंसर इज डी, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट। 14, साइंटिस्ट हू डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सा आपने डिस्कवर करी थी? जरा स्पीड बढ़ाएंगे, आंसर इज प्रीस्टली। 15, चलो कौन कौन सा शेप है? ए बी सी डी, फटाफट से बी देखते से, ए मतलब कोकाई। चलो 16, जैन इंजन हाउस ने क्या बोला था? ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट रिलीज हो टू। चलो 17, फाइलोजेनेटिक सिस्टम का सीक्वेंस वाज गिवन बाय, फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय, नहीं आएगा ये वैसे, ठीक है छोड़ दो इस क्वेश्चन को। 18 बताओ, 18 चलो आंसर विल बी ए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन आल्सो नोन एज, बी हचिंगटन सिस्टम क्लासिफिकेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर कंट्रोल्ड बाय, कौन आएगा इसमें से बताओ जी, कौन आएगा, कौन आएगा, किसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, क्या होगा, क्या मारने वाला हूँ, आंसर विल बी बी, बी सॉरी बी है, ठीक है एंजाइम्स। 21, फटाफट से साइटोटैक्सोनॉमी। 22, एटीपी। 23, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट इज नोन एज, सी कीमोटैक्सोनॉमी। 24, इन रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी सबसेट यूज आर, कुछ भी हो सकता है, डी। 25, फाइलम दैट एग्जिबिट रेडियल और रेडियल सिमेट्रीज, सही लग रही है स्पीड, मजा आना चाहिए। ऑल ऑफ दिस, ये जो स्पीड है ना इस पर मतलब मजा आ जाएगा, तुम लोग जब ये चीज एग्जाम में करने जाओगे नीट का पेपर तुम दो दो तीन तीन बार सॉल्व कर रहे होगे। 26 बताओ, आंसर क्या आएगा हमारा? सी ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। 27, टर्म बायलेटरल सिमेट्री रिफर्स, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, सी आएगा। 28, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय, बोथ। 29, द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस इज मैक्सिमली क्विकर एंड मोर प्रिसाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री, इसका आंसर विल बी बायलेटरल, ठीक है बायलेटरल इसका आंसर होता है। चलो 30, क्या होगा? द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट आर, ऑल ऑफ दिस। 31, चूज द करेक्ट टाइप ऑफ सिमेट्री फॉर प्लांट फॉर एनिमल्स ए एंड बी, बी होगा ये बायलेटरल रेडियल। 32, करेक्ट ऑप्शन बताना है। चलो ए और ये हमारा बी,
चलो आगे बढ़ते हैं। 33 मिसमैच पेयर कौन सा है? सी। 34 ह्यूमन डेंटिशन को कौन डिस्क्राइब करता है? बी। 35 इनकरेक्ट। डी। 36 36 का क्या होगा? गलत मार रहे तुम लोग, एबीसीडी से मार रहे। अरे 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 अरे, ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आए। डी क्या होगा जी? क्या डी इनसीजन नहीं होगा? अरे क्या डी इनसीजन नहीं होगा? सबसे आगे वाले दांत होते हैं अपने, तो आंसर क्या आ जाएगा? अरे डी मोलर बना दे तुम लोगों ने, कुछ भी कर रहे हो। डी सीजर होगा, आंसर डी आएगा। 37 स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द रूट। सी। 38 सी। 39 ए। 40 बी। 41 बी। ए क्या है हमारा? लीव प्राइमोर्डिया। बी क्या है? एक्सिलरी बड। और सी डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू। 42 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन ह्यूमंसेस। बी आएगा आंसर। 43 43 में क्या होगा? ए ठीक है। द रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ रूट, ठीक है। और ये क्या है? स्टेम का अपेक्स होता है। 44 ट्रेकिया। 45 एक्सिलरी बड। 46 लैरिंग्स। 47 शूट एपिकल मेरिस्टेम। 48 लैरिंग्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन ट्रेकिया ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस ब्रोंकियल। बताओ आंसर है एपिग्लॉटिस एंड ट्रेकिया। 49 लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज डक्ट्स एंड ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ। इन सब की लाइनिंग हमें पता है एपिथेलियम से बनी होगी। कौन सी एपिथेलियम से? एनसीईआरटी में जब जाकर के तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सिंपल एपिथेलियम से। 50 ह्यूमन आरबीसीआर फॉर्मड इन।
साहब बोन मैरो में फॉर्म होती है लेकिन येलो में नहीं रेड में, तभी बोलते हैं आरबीसी। 51 नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। नॉट बोला है, नॉट 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 मान लो, कनेक्शन कभी नहीं होता फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। 52 सेक्रीशन वगैरह सब करता है एपिथेलियम। चलो 52 बताओ, आंसर इज बी हीमोग्लोबिन। चलो 53 स्क्वैमस एपिथेलियम आर, सेल्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम आर। फटाफट से मारो, लिख दो कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे ये कमेंट सेक्शन। डी फ्लैट एंड इरेगुलर बॉडी बाउंड्रीज। 54 लीकोसाइट आर कलरलेस ड्यू टू, तो यस द आंसर विल बी लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। 55 एंडोथीलियम ब्लड वेसल किससे बनती है? एंडोथीलियम बहुत पतली लेयर होती है, तो किससे बनेगी? स्क्वैमस सेल से, स्क्वैमस एपिथेलियम से। 56 लिम्फोसाइट इतने परसेंट होते हैं, टू मेजर फॉर्म बी एंड टी लिम्फोसाइट, दे आर रिस्पांसिबल फॉर। लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन होता है जी? क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बताओ 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 बताओ, ये होगा इम्यून रिस्पॉन्स, सिंपल। 57 स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, जो कि विरुलेंस फैक्टर भी होता है, विरुलेंस फैक्टर भी होता है। आंसर इज डी ग्लाइकोकैलेक्स। 58 मोस्ट सॉल्युबल कौन है? आंसर इज अमोनिया, इसलिए फिशेस वगैरह वाटर से ही एक्सक्रीट कर देते हैं अमोनिया को। 59 B, 60 अमोनोटैलिक कौन है? D, क्योंकि हम क्या हैं, हम तो क्या हैं, हम यूरियोटैलिक है, यूरियोटैलिक, राइट। चलो 61 क्या है आंसर इसका, इतना सोचना पड़ रहा है, रुक क्यों गए जी? 61 का यस सी, ठीक है। 62 एक्वाटिक एनिमल एक्सिट अमोनिया, बिकॉज़ ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट दिस फैक्ट। किडनी नहीं होती, बी विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। 63 डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास, डज नॉट डिफर, ध्यान रखे आंसर क्या बोला है उसने, नॉट। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। 64 जो भी लोग गलत कर रहे हैं एक बात ध्यान से सुनो, इस पेपर के होने के बाद मिस्टेक बुक बनाना है। मिस्टेक बुक क्या है? एक ऐसी किताब जिसमें तुम सारे अपनी मिस्टेक्स लिखते हो कि भैया मैंने ये गलत किया, क्यों गलत किया, उसका भी रीजन लिखते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ए। वो मिस्टेक बुक को हर दो दिन में रीड करना है, तो यही है एक तरीका सक्सेस पाने का। 65 बताइए स्टेटमेंट गिवन बिलो,
एच कहां पे मिलेगा? डी 66 जॉ लिम टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट्स 67 7 क्या आएगा? सी सेल और पूल इसकी लोकोमोशन इफेक्टेड ड्यू टू कोई सी मर रहा है ये मर रहा है इसका आंसर क्या आएगा? यस डी जिंदाबाद ऑल ऑफ दीज जिंदाबाद चलो 69 फटाफट से बी क्यों साहब? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ठीक है एसिडिक अमाइनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है ऑन द सेम कार्बन 670 फ्लैजुलर मूवमेंट किसमें इन्वॉल्व होते हैं? ऑल ऑफ दीज जिंदाबाद चलो 71 अमाइनो एसिड आर सब्स्टिट्यूट इन मीथेन व्हिच ऑफ व्हाट आर द फोर सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑक्युपाइंग द फोर वैलेंसी पोजीशंस देखते ही क्या आंसर आएगा इसमें? यस ए चलो 72 लोकोमोटरी एक्शन विद इन ह्यूमन बॉडी कैरिड आउट यूजिंग बी स्ट्राइटेड मसल्स टू बेसिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर सेवेंटी फोर एंड बेसिक फंक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम क्या होगा? ऑल ऑफ द इज कभी भी कोई का किसी को ऑप्शन किसी क्वेश्चन में आंसर ना आए तो क्या मानना है? ऑल ऑफ दीज क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर ऑल ऑफ दीज होता है लेकिन अगर आता है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में तो ऐसा नहीं कि आते हुए क्वेश्चन भी ऑल ऑफ दीज मार दिया जबकि आंसर ना हो चलो 75 आंसर इज सी 76 क्या आंसर आएगा जी? डी डी आएगा ठीक है 77 आंसर भी 95% 78 एंड हाइड्रा न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स 79 द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस द इन ह्यूमंस न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेस वेरी सिंपल बोथ 81 विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बताइए फटाफट से आंसर सी डिफ्यूजन चलो 782 हाइपोथैलेमस रिलीज टू टाइप्स ऑफ हार्मोन नोन एज बी स्टिमुलेटिंग लिमिटिंग 83 मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन ये नहीं आएगा 84 बताओ जीनार स्टिमुलेट द
बी पिट्यूटरी फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाड्रोफेंस 685 व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल डू नॉट डिफ्यूज और फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन D. Hydrophilic substance. 86. GnRH किस पे एक्ट करता है? झट से आंसर आना चाहिए क्या? Anterior pituitary, LH, FSH. Last three questions. 87. सब अफेक्ट करते हैं ऑल ऑफ दिस 88 सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या आएगा इसका आंसर सोमैटोस्टैटिन सोमा का स्टैटिन कर रहा है बॉडी की ग्रोथ को रोक रहा है मतलब इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ये क्या गया अरे मैं इतना पीछे कैसे चला गया जिंदगी में हे भगवान देखा जिंदगी में कई बार अपने कितने पीछे चले जाते हैं एक गलती से मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ कैसे हवाले हो गया ओके तो हम पहुंच गए हैं वापस से लेकिन मेहनत करने से हम वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं चलिए बताइए टूथ एंड क्रेट्स ऑप्शन फॉर हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल क्या आएगा इट में इनकरेक्ट ऑप्शन यस आंसर विल बी सी माइटोसिस से नहीं होता है मियोसिस से होता है 90 बताइए करेक्ट ऑप्शन अबाउट डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल हमारा फॉर्मूला जब कुछ नहीं आता तो ऑल ऑफ दीज आता है चलिए जब हमें कुछ नहीं आता तो आंसर ऑल ऑफ दीज आता है तो आज का हमारा सेशन हमने कंप्लीट किया 34 मिनट्स दिखा रहा है लेकिन मैंने वीडियो थोड़ा सा लेट चालू किया था तो अराउंड हमने 30 मिनट में किया है आज ठीक है तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को मजा आया कि नहीं आया मजा आया कि नहीं आया चलो तो चलो ठीक है तो अब जो है अपन कल मिलते हैं अब ये बताओ कि मेरा सोचना ये है कि क्या मैं बायोहैक से तुम्हारे को रिवीजन कराऊं जैसे तुमने देखा होगा मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि 10 से 15 मिनट में एनसीईआरटी का एक चैप्टर और मैं उसमें बोर्ड पर खड़े होके ऐसे मैंने वीडियोस बनाए थे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे बायोहैक रीड करूँ मतलब बायोहैक तुम्हारे सामने तुम्हें पूछूंगा मतलब ठीक है मैं बायो के क्वेश्चन रीड करूंगा तुमसे पूछूंगा आंसर और फिर जब उसके बाद थोड़ी देर बाद बता दूंगा जैसे इसमें करते हैं वैसे ही ठीक है तो उससे तुम्हारा एक्टिव रिकॉल हो जाएगा और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर हो जाएगी जो अपन को चाहिए है ना तो ये सबसे बेस्ट चीज रहेगी मुझे लगता है इस टाइम पे टॉपिक बताओ कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें मेरा मानना है कि शायद हम इकोलॉजी से करें तो वो ज्यादा सही रहेगा या तुम बताओ इकोलॉजी ज्यादा पूछी जाती है प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी करना है इकोलॉजी ज्यादा पूछी जाती है हम पहले इकोलॉजी करते हैं फिर प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे तुम लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी कराना है ह्यूमन भी करना है तो ह्यूमन भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है अपने पास अराउंड अब दिन लिमिटेड है ठीक है बट हम पहले इकोलॉजी के चार चैप्टर रोज एक चैप्टर करके खत्म करते हैं ठीक है फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी पे आते हैं फिर तुम बोलोगे तो ह्यूमन पे आ जाएंगे बाकी तुमसे पूछते रहेंगे बढ़िया से मेहनत करनी है अब देखो आखिरी के टाइम बचे पूरा जी जान लगा दो मैं भी लगा रहा हूँ तुम भी लगाओ मिल करके नीट निकालते हैं ठीक है चलो
ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, मिलते हैं कल। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी मिस्टेक बुक बनानी है सेशन एंड कर होने के बाद, और उसे हर दो दो दिन में पढ़ना है। चलो बाय सभी लोगों को, मिलते हैं।